हम सब लोग दौरा कर रहे हैं। आज होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए यहाँ बैठक है और होशियारपुर आए हैं तो स्वाभाविक हमारे सापला जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, प्रदेश पुराने अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके घर पे चाय नाश्ता के लिए उन्होंने बुलाया था। काफ़ी कार्यकर्ता को भी यहाँ मिलने का सौभाग्य मिला और सबके साथ बातचीत सबकी सुनी है और चुनाव में सब आगे आने वाले दिन में होशियारपुर में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ऐसी बात। सर पहले भी यहाँ पे जाकर दिए आए थे, थोड़ी विजय सांबला जी की कह रहे थे कि नाराजगी चल रही है, लेकिन विजय सांबला जी की चुप्पी लगातार बरकरार है, आज बोलेंगे कि आपके साथ है। देखिए कोई नाराजगी नहीं है, सांबला जी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सन्निष्ठ कार्यकर्ता है कि कोई पार्टी का नुकसान हो या पार्टी के लिए चुनाव में उन्होंने कोई ऐसी मन की भावना भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेंगे, उसमें कोई सवाल नहीं है। एक चीज़ तो तय है कि असी सारे ने उन्होंने आश्वासन दिता कि असी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जितों तक साड़ी अगे बाकी काम चलन का कुछ सवाल साढ़े मन से जिन्हों के उन्होंने पूर्ति करने लिए उन्होंने कहा है तो उन्होंने आश्वासन दिता कि मैं हाई कमांड क्योंकि पहले जाखड़ साहब ने असं उ सवाल किए और अज उ सवाल जोड़े असी रूपाणी जी ने भी किए। एक बहुत सारे लोगों के मन के भ्रम है कि भी मैनू जो रिजाइन लिया गया कि मेरे से कोई करप्ट इंचार्ज से, जबकि मैनू पार्टी ने कहा कि तेरिया सेवावान असं कित होर लेना चाहते, पार्टी ने एक बार मुँह चो शब्द कढ़िया, मैं एक पार्टी का सिपाही होने के नाते वह अस्तीफा उस वेले दे दिता। मैंने बहुत सारे वादे किए गए, मैं चुनाव लाने का भी वादा किया गया, पर इतने तुम्हें भी देखा होना थोड़े माध्यम के नाल भी मीडिया के माध्यम के नाल भी बड़िया चीज़ा चल रही कि कई सवाल से कि भी अस्तीफा क्यों लिया गया। मैं अब सारे सामने कह रहा हाँ कि मैं अस्तीफा एक पार्टी के सिपाही के नाते, क्योंकि पार्टी ने मैनू मंत्री बनाया, पार्टी ने मैनू MP बनाया, चेयरमैन बनाया, जो कुछ दिता सी पार्टी ने और पार्टी ने कहा कि अस्तीफा दे दो, असी तुहाडियां सेवावां संगठन च लैना चाहते हैं, असी एक मिनट नहीं लाया, असी उह देता लॉयल्टी सी मेरी, वो लाइबिलिटी बन गई, वो अभिशाप बन गया तो लोगों के मन च आ गया कि मैनू अगर कित हटाया जे मैनू टिकट मिल जाती तो गलों का जो आ मिल जाना सी, पर वो अज जिहड़ियां चर्चावां होर पै गई क्योंकि जोड़े मेरे विरोधी ग्रुप आ वो लोगों के अफवाह हले भी उड़ा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कोई करप्शन की आ जिंद सत्कार, क्योंकि कई वालों मेरे से महिलावान का भी चार्ज लगाया गया, कई वालों मेरे पैसों के चार्ज लगाए गए। मैं अज उन्होंने कहा आ कि अगर मेरे से कोई चार्जिज हैगा तो मैनू बख्शो ना, मैनू मेरे से FIR करके मेरे से कार्रवाई करके मैं जेल च भेज दो। मैं अपनी देखिए मैं तो पहला क्या पहले दिन ही क्लीयर हो गया कि असं किसी भी पार्टी से नहीं जा रहे, असं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेंगे, ठीक है। मैं वो तुम दस दिता कि मैं उन्होंने चीज़ों की सफाई मंगी है क्योंकि जिसे मेरे से चार्ज लगे घट्टो घट मैं पाक साफ हाँ तो मैं पार्टी के लिए काम करना चाहिए, जे मैं दोषी हाँ तो मेरी जगह जेल च होनी चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।